मैं इस तरह से चीजें आप लोग को बीच बीच में मैं करता रहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा डिलीवरी मॉड पसंद आएगा। और न्यूमेरिकल हम लोग क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, और जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही चीजें हैं, अभी वही वही चीजों पर बात करेंगे। अब ये बेसिकली होता क्यों है? होता इसलिए कि पहले तक आप तक क्वालिटेटिव बात कर रहे थे बेस्ड ऑन द फिगर एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे कुछ नंबर्स में चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इस ट्रीज का जो जो आपने प्लांटेशन मेजर किया था उसका एवरेज हाइट 12.7 है, मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल मेजर्स की तरफ जाते हैं। और न्यूमेरिकल मेजर में दो चीजें होती हैं, एक हम लोग सेंट्रल वैल्यूज को इंटेंड होते हैं, और एक हम ये देखना चाहते हैं कि वैल्यू जो है हमारी वो कितनी ज्यादा डाइवर्स है, कितनी ज्यादा डिस्पर्स है। तो पहले के लिए हमारे पास कई मेथड है, मीन है, मीडियन है, मॉड है, अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन को मीन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, और डिस्पर्सन के लिए वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम वही है कि मतलब न्यूमेरिकल चीजों को जब हम लोग बोलते हैं कि आप बोलेंगे ये एक प्लांटेशन की हाइट जो है 12.7 है, दूसरे प्लांटेशन की हाइट जो है वो 12 है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि 12 वाला जो है छोटा है, 12.7 वाला बड़ा है। लेकिन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से इस तरह की चीजें निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ग्राफ से थोड़ा इस तरह का डेटा निकालने में, एक लाइन का मैसेज निकालने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरफ ज्यादा जाने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि मिडिल क्या है, मिडिल क्या है, मोस्ट कॉमन क्या है, एंड व्हाट वी विश टू प्रिडिक्ट। जो हम लोग बात कर रहे थे, जो आप लोग भी बोल रहे थे, विनीत ने भी बोला था एक बार कि हम लोग चीजें जान सकते हैं, नेहा बात कर रही थी कि हम लोग इसको प्रिडिक्ट, हम लोग उसको मोस्ट कॉमन वैल्यूज की बात कर सकते हैं, कविता ने भी इंडोर्स कर रही थी उसको। जो आप लोग इंडोर्स कर रहे थे उसी को मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैं कहीं से भी आपसे गलत, आपकी चीजों से डिफर नहीं कर रहा हूं। डिस्पर्सन क्या है कि कैसे आपका डेटा जो है वो डिस्पर्स है। जब डेटा का डिस्पर्स की आप बात करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस चीज से डिस्पर्स है। उस चीज को जब आप ढूंढने का प्रयास करते हैं तो आप कहते हैं कि वो चीज जो है वो मीन है, वो मीन से कितना डिस्पर्सन ये जानना चाह रहे हैं, वो मीडियन से कितना डिस्पर्स हो सकता है मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो मॉड से कितना डिस्पर्स हो सकता है हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव है। तो उसको निकालने का जो मेथड होता है उसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएबिलिटी बोलते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील करता है सेंट्रल रेंज और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को। शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो एनीथिंग विच यू विश टू डिस्क्राइब दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाई द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज एंड द डिस्पर्सन। जैसे ही आप बोलेंगे कि हमारे प्लांटेशन का जो एवरेज हाइट था 12.7 था और उसकी वेरिएबिलिटी 0.1 थी, और कोई दूसरा बोलेगा हमारे प्लांटेशन की जो हाइट थी वो 12.7 थी और वेरिएबिलिटी जो 25 थी, तो मैं समझ जाऊंगा कि किस प्लांटेशन में किस तरह का प्लांट प्लांट अवेलेबल है। जो 12.7 और 0.1 वेरिएबिलिटी वाला है वो मोर और लेस उसकी हाइट जो होगी वो मोर और लेस वो 12 से लेके 14 के बीच में डिफर करेगी, लेकिन जो 25 वाला है वो तो 2 से लेके 50 तक डिफर करेगी। हमें बहुत चीजें इंफॉर्मेशन आपके प्लांटेशन के बारे में इन्हीं दो वैल्यू से पता लग जाती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए इसको रखा जाता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप लोग को बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए इसको एस्टिमेट करते समय, क्योंकि यही आपके पूरे के पूरे साइंस का बैकबोन होने वाला है। सो मॉड, मीडियन एंड मीन, सेंट्रल टेंडेंसी, ईच मेजर इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट अ टिपिकल स्कोर, जो मैं आपसे बात कर रहा था, और उसी के बेस पे हम लोगों को चीजों को डिसाइड करना है। तो जब भी हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल होता है हम लोगों को मॉड यूज करना चाहिए, जब भी हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल होता है हमें मीडियन यूज करना चाहिए, जब भी हमें इंटरवल या रेशियो टाइप का वेरिएबल होता है उसको हमें मीन यूज करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में जब आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज रहती हैं तो आप जनरल तौर पे मीन को यूज करने लगते हैं। अब मीडियन क्या है, मॉड क्या है? मॉड इज द मोस्ट फैशनेबल वैल्यू, जो सबसे ज्यादा है। जैसे आप सभी लोगों से मैं ये जानना चाहूँ, आप लोगों के थ्रू मैं ये समझना चाहूँ, जैसे मेरा क्वेश्चन है, आई नो दैट यू ऑल आर स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स हैविंग गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द करेंट इशूज एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑल्सो एंड यू आर हैविंग गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोबाइल ऑल्सो। We don't have this sort of information. We are rather poor in the technological application. और मुझे एक मोबाइल खरीदना है और आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, एंड आई बिलीव दैट यू पीपल विल गाइड मी इन बेटर वे। सो मैं आपसे पूछूंगा, यार मुझे बताइए कि मुझे आप मोबाइल खरीदना है एंड देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मनी, है ना? तो आप लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं आप तो मोबाइल खरीद लीजिए, कोई कहेगा अरे वो आप नोकिया खरीद लीजिए, कोई बोलेगा सैमसंग खरीद लीजिए, और भी कई ब्रांड है पता नहीं मुझे याद नहीं है उतना।
और कोई बोलेगा आईफोन भी खरीद लीजिए, कोई बोले नहीं नहीं सर आईफोन मत खरीदिए बहुत महंगा होता है, कोई बोलेगा नहीं नहीं वो सैमसंग मत खरीदिए बहुत महंगा होता है। अब मुझे आप सभी लोगों के बेस पे ज्वाइंट एक डिसीजन निकालना है, कैसे निकालेंगे? मीन लेंगे, मीन मोबाइल का कौन सा मीन लोगे, कौन से मोबाइल का मेजर करोगे, उसका वेट मेजर करोगे, लेंथ मेजर करोगे, लाइट मेजर करोगे, नंबर ऑफ मैसेज मेजर करोगे, क्या मेजर उसके करोगे? उसके रिव्यू मेजर करेंगे सर। अगर 80% लोग कह रहे हैं कि गुड ये ले लीजिए, तो हम एक्चुअली हमको उनका रिव्यू कंसीडर करना चाहिए कि कौन उनका हम कितने दूसरों का लोग रिव्यू क्यों करेंगे, हम तो अपने लोगों का रिव्यू करेंगे, हमारे बच्चे हैं पचास मेजोरिटी तो हमको सही कंसीडर। बताएंगे। हाँ उस क्या पर डिपेंड करेगा सर कि सर रिक्वायरमेंट क्या है और मूड से व्हाट्स द करेंगे? एक्चुअल मूड। अरे रिक्वायरमेंट तो सब मोबाइल का सर एंड्रॉइड वही है सबके सर भाई, सर तरह के लिए सबके रिक्वायरमेंट सबके है सर, वो भी समझना रिक्वायरमेंट पड़ेगा। यही केवल होगा कॉल करने के लिए है या केवल आपको इंटरनेट की फैसिलिटी और फास्ट चाहिए, उसमें कनेक्टिविटी और तेज चाहिए, या केवल कॉल करने या मैसेज करने के लिए चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा सर। जो अच्छा ठीक है, मैं बता मेजोरिटी दे जो सजेस्ट करेगी वो। मैं बता दे रहा हूँ। फोन का यूज जनरल तौर पे जो हम जैसे लोग हैं, आप लोगों के से अलग हमारी कैटेगरी है, उसमें हम लोग फोन कॉल करने के लिए यूज करते हैं, ईमेल देखने के लिए करते हैं, व्हाट्सएप करने के लिए करते हैं, कभी कभी फोटो खींचने के लिए करते हैं, और ये सारे एंड्रॉयड के फीचर फोन में ये फीचर होता है, और आप सभी लोग मोर और लेस एंड्रॉयड फोन ही यूज करते हैं। सर आप सबके पॉजिटिव व्यूज को इकट्ठा करके ऐसा फोन लोगे जो इन सब सब में पैकेज हो, एक ही फोन में सारा पॉजिटिव वाला, यार ये अच्छा तो उसका रैम हो। ये बात तो ठीक है, मतलब 50 लोगों का यदि मैं रिव्यू करूंगा तो मतलब ये तो एक नई रिसर्च पंडोरा बॉक्स खोल दूंगा मैं। फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार 10 लड़के तो ये कह रहे थे, 20 लड़के कुछ कह रहे थे, तो क्या मैं करूंगा? सर आई थिंक यू कैन गो विद द मोस्ट रिकमेंडेड फोन। एक्सक्यूज मी मोस्ट सर, रिकमेंडेड कैसे आप होगा? सर पहले तो आप एनालाइज करोगे, उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे सर। चलो आप लोग को मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए रिक्वायरमेंट तो बड़ा सिंपल सा है, वी कैन मेक ए कॉल, वी कैन गूगल सम पेपर्स, सम टाइम वी नीड टू रिफर इट, वी कैन गेट द ईमेल्स, एंड वी कैन डू सम व्हाट्सएप मैसेजिंग, एंड वी कैन ऑल्सो लुक एट फॉर सम फोटोज, कभी कभी आदमी खींचता है फील्ड में जाता है। आप सभी लोग इस तरह के फोन को यूज करते होंगे, आई एम डैम श्योर, एंड सिंस यू ऑल ऑलरेडी रिव्यूड इट, यू ऑल हैव ऑलरेडी रेड इट, यू हैव ऑलरेडी बेसिकली परचेज बेस्ड ऑन योर रिव्यू, तो हम लोग उसके बेस पे चीजों को क्या बोलते हैं कि उसके बेस पे हम लोग अपने चीजों को डिसाइड करेंगे। और जो आप सभी लोगों में सबसे ज्यादा जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वाला फोन होगा, मैं मान लूंगा कि वो फोन सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं आया हुआ है, तो हम उस फोन को खरीदेंगे। इजी टोके, और ये जो बहुत बड़ी चीजें हैं खरीदने वाली बातें जो मैं कर रहा हूँ, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं मॉड के थ्रू। तो ये मैं बोलता हूँ इसको कि मॉड इज द बेसिकली वे, क्योंकि आप सभी लोग लिटरेट हो, वेल अवेयर हो, समझ है आप सभी चीजों की, हम लोग मोर और लेस एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं और एक ही तरह की चीजों में इंटेंड करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग रिसर्च के पर्सपेक्टिव के लोग हैं, एकेडमिक्स के लोग हैं, तो मोर और लेस आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उससे मेरी रिक्वायरमेंट मैच करती होगी, बहुत मेरी कम होगी, आप लोग की ज्यादा होगी, तो आप लोग जो चीजें बताएंगे उसके बेस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, और बड़ा क्विक डिसीजन हो जाएगा। बाकी रिव्यू वाला तो डिसीजन एक बड़ा लंबा डिसीजन है उस तरह का, तो कभी कभी यदि क्विक डिसीजन लेना हो कुछ चीजों का, और जहां पे सिमिलरिटीज हो लोगों के बीच में, तो उस सिमिलरिटीज परसेप्शंस को लेने का जो तरीका है उसको लेके, और उसके मोस्ट फ्रिक्वेंट चीजों को लेके यदि हम लोग अपना कोई चीज को करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, एंड दैट कैन बी मेड थ्रू द मॉड। इज इट ओके? मैं आप यस लोग को सर, अपना मैसेज कन्वे कर यस पाया? सर, यस सर, यस सर। सर अगर जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वहां पे हम बेस्ड ऑन रिव्यू मीन लेते हैं सर, जिसके ज्यादा अच्छे टोटल रिव्यू 4.9 है जिसका, हम उसको प्रेफर करेंगे ऑनलाइन परचेजिंग के टाइम। 4.9 जो आता है वो परसेंटेज वैल्यूज पे आता है, यदि आप देखेंगे तो वो जो रिव्यू आता है ना, रिव्यू में 4.9 के बीच में वो सब परसेंटेज दिया रहता है, कुछ ऐसा ऐसा बनाया हुआ आता है वो बार चार्ट टाइप का, उसके बाद वो रिव्यू बताता है 4.9, तो ऐसे ही लोग उसको एवरेज कर लेते हैं, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज डेटा, 5 के लिए इतना है, 3 के लिए इतना है, 2 के लिए इतना है, 1 के लिए इतना है, तो उस केस में तो जब इंडिविजुअल लेवल पर परचेज करना हो और हमारे पास कोई और आइडिया नहीं हो, हमारे पास तो आप लोग जैसे ब्रिलियंट लोग अवेलेबल हैं जहां से मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो आई मीन टू से कि जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पे कि सिमिलर तरीके के चीजें
एक दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं और उन लोगों ने ऑलरेडी कोई डिसीजन लिया हुआ है और आप उस डिसीजन को लेना चाह रहे हैं, तो आप उनके थ्रू उनसे पूछिए और उनसे परसेप्शन उनका लीजिए, जो परसेप्शन सबसे ज्यादा आ जाए जिस पर्टिकुलर चीज का, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं मॉड। मॉड का ये यूज। मीडियन का जो तरीका है, मीडियन इज बेसिकली पोजिशनल एवरेज। मुझे यदि किसी सेंटर पॉइंट को जानना है, सेंटर पॉइंट को जानना है इन रेस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी, मुझे यहां से हल्द्वानी का सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैं बेसिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करूंगा और जो सेंटर पॉइंट होगा इसका, जहां पे कि हमने पूरे डिस्टेंस को टू पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन इज ए टूल, न्यूमेरिकल सेंस में मीडियन इज ए टूल विच डिवाइड्स योर डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स वंस यू अरेंज योर डेटा इन एनी ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बाकी वो ऑड और इवन का जो चक्कर है एन प्लस वन, वो सब तो मतलब एस्टिमेशन का कोई प्रोटोकॉल है, उसमें कोई बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है, वो आप लोग जानते हैं। And mean we have discussed. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि mean, median, mod is also a tool which facilitate for the decision making. तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। Mod कई बार दो भी होता है, जैसे आप लोग कैमल को देखे होंगे ना, कोई कैमल ऐसा देखा होगा जिसमें कि दो मॉड होता है, इसको बाई मॉडल बोलते हैं। जब कोई डेटा में दो चीजें आती हैं तो उसको हम लोग बाई मॉडल बोलते हैं। दो बार दो मॉड आ गया जिसमें कि दो बार मतलब उस पूरे डेटा सेट में दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसपे कि हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा आ रही है, उसको बाई मॉडल बोलते हैं। कभी कभी आपके रिसर्च में इस तरह की चीजें बड़ी काम करती हैं। मल्टीनोमियल भी मॉडल हो सकता है, जहां पे कि कई मॉड्स आते हैं एक ही डेटा सीरीज में, कई बार कई वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं। द मॉड इज नॉट ए वेरी यूजफुल मेजर फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी। वंस योर डेटा इज इन न्यूमेरिकल फॉर्म, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द मॉड, रादर यू गो फॉर द मीन वैल्यूज। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है जहां पे कि आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं। मीडियन वी हैव डिस्कस्ड, कैलकुलेशन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं छोड़ता हूँ। आप लोग कभी आप लोगों ने कई बार किया होगा। मीडियन आपके डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल जो है आपके डेटा को चार पार्ट में डिवाइड करता है। प्रोसीजर वही है, वहां पे एन प्लस वन बाई टू होता है, यहाँ पे थ्री एन प्लस वन बाई फोर हो जाता है, और उसके बाद 25% 25% 25% करते चले जाते हैं। और डेसाइल जो होता है वो आपके डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, परसेंटाइल जो है आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट इज अ सिंपल फिलॉसफी फॉर डिवाइडिंग द डेटा, दो इट इज मिंट फॉर द जियोग्राफिकल लोकेलिटीज, बट सम टाइम वी यूज फॉर आवर रिसर्च आल्सो। ओके, सो मीन की बात हमने काफी आप लोग से कर ली, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और ठीक है, ये भी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज भी बहुत सी होती है ना। जो सबसे सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज है उसमें बस ये बताते हैं कि जो मैक्सिमम चीजें पॉसिबल हैं और जो मिनिमम चीजें पॉसिबल है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, दैट वी कॉल इट एज अ रेंज। और जो दूसरी बातें आई कि भाई करें क्या, कि सेंट्रल वैल्यू से हर वैल्यू कितनी दूर जा रही है, इसको हम लोग वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो लोगों ने बोला कि हम लोग वेरिएबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसे सिग्मा, जैसे पूरे मीन पूरे वैल्यूज को सम करके मीन से डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही सारे वैल्यूज को यदि मीन से डिफरेंशिएट डिफरेंस निकाल के और उसको सम करके और नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारा वेरिएंस निकल जाएगा। लेकिन उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटा की एक प्रॉपर्टी है कि यदि सारे डेटा को मीन के साथ सब्सट्रैक्ट करके जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये मीन की प्रॉपर्टी। तो लोगों ने कहा ये तो बात बनी नहीं, तो क्या करें। तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं करना है, आप किसका मॉड ले लीजिए, केवल आप वैल्यूज की बात कीजिए, उसके डायरेक्शन की बात मत कीजिए। तो अब क्या हुआ, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब मीन, हर वैल्यूज को मीन के साथ डिफरेंशिएट करना है, उसका सम लेना है, लेकिन जो प्लस माइनस आ रहा है उसको नहीं कंसिडर करना, केवल प्लस प्लस को कंसिडर करना, उसको बोलते हैं मॉडुलस। इसीलिए दो डंडा लगा के उसके अंदर सिग्मा एक्स आई माइनस ए कर देते हैं और उसको एन से डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। यदि मीन डेविएशन आप मीन के साथ ले रहे हैं तो उसको मीन डेविएशन बोलेंगे, मीडियन के साथ ले रहे हैं तो मीडियन डेविएशन बोलेंगे, और यदि मॉड के साथ ले रहे हैं तो मॉड डेविएशन बोलेंगे। लेकिन वहां पे भी बात बनी नहीं, क्योंकि मॉड को मैथमेटिकली मल्टीप्लाई नहीं किया सकता, एड नहीं किया जा सकता, सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो बड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो लोगों ने कहा कि अब क्या करें, तो लोगों ने कहा एक सोल्यूशन है, हम लोग हर चीजों का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो माइनस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया कि अब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके उसका सम ले लिया और उसको एन से डिवाइड कर दिया, और बोला नहीं अब तो गड़बड़ फिर हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि मीन की यूनिट तो मीटर थी
और यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये तो ऐड नहीं हो पाएगी। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इसका तब स्क्वायर रूट ले लेते, उसको बोला लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये पूरी की पूरी लॉजिक है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी है, जो कि बड़ा आसानी से आप लोग पकड़ सकते हैं। और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जो तरीके हैं वेरिएबिलिटी मेजर करने के लिए, जो बेस्ट तरीका है वेरिएबिलिटी मेजर करने के लिए वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर दूर है, इसका एक समेटिव फॉर्म आपको बता देता है। तो यदि वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके डेटा में बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डिस्पर्स है। जेनेटिक्स के लोग बहुत पसंद करते हैं कि हमारे डेटा में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, लेकिन आपका इंटरेस्ट एज ए मैनेजर किसी प्लांटेशन को ग्रो करना है तो आपको लगेगा कि हमारा प्लांटेशन इतना हो कि उसकी वैल्यूज मोर और लेस कंसिस्टेंट हो, क्योंकि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल पाएगा सबका लास्ट में। तो बेसिकली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये पर्पज होता है, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही पूरे रिसर्च का बैकबोन है और यही पूरे रिसर्च पूरे अंडरस्टैंडिंग का बैकबोन है। तो ये है बेसिकली मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी।